वोटिंग अगर नहीं करते हैं तो वो बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। आप वोटिंग नहीं करते तो गरीब मोहल्ले में किसी को दवाई नहीं मिलेगी। आप वोटिंग नहीं करते हैं तो कहीं पर जाकर कोई बच्चा अशिक्षित रहेगा, ही और शी विल बी नॉन एडुकेटेड। मैं ऐसे लोगों को चुनने के लिए कह रहा हूँ जो पढ़े लिखे। आपके यहाँ नेता है वो दारू के धंधे में था, आपके वहाँ नेता है वो डॉन था, वो भाई था, उसने उसके ऊपर 5 कत्ल के इंजाम। ऐसे नेता क्यों आते हैं? द कंटेंट बहुत अच्छी चैनल है और मैं वेल विश देता हूँ आपकी इतनी लोकशाही तक, लोगों तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। और दुनिया के स्कूलों में चले जाओ, लोग वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की सोचते हैं। हमारे पास टूटा हुआ स्कूल भी ढंग का चालू नहीं है, 500 स्कूल गुजरात के अंदर बंद है। एक एक वोट अपना कीमती, तो वोटिंग करो यार और अच्छी पार्टी को सामने लेके आओ। डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा है अहमदाबाद का, मुझे तो काफी बढ़िया लगा, और डेवलप हो ऐसी पार्टी चूज करो। और एजुकेशन से आपको क्या लाभ मिल रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? एक IAS अधिकारी UPSC पास करने के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद करता, 24 घंटे पढ़ाई करता है, तब वो IAS बनता है। वो काम किसके पीछे नीचे करता है? एक जाहिल जबट नेता के पीछे, एक जाहिल MLA, एक जाहिल MP के नीचे। पॉइंट की बात कर रहे हैं, 24 घंटे पढ़ाई करने पड़ता है। कंटाप में आपका स्वागत है, मैं नाजी पठान। आज हम लोग आए हैं यहाँ रिवर फ्रंट पे, जो कि अटल ब्रिज से बिल्कुल करीब है, सरदार ब्रिज। हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ रिवर फ्रंट पर जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स का एक आप देख सकते हो, एक सारे यूट्यूबर्स मिलकर एक जो लोग होते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो लोग एक्टिव नहीं हो पाते हैं, जिन लोग को व्यूज नहीं आ पाते, व्यूअर्स नहीं मिलते, सब्सक्राइबर नहीं मिलते, उसकी एक मीटिंग तरीके का एक छोटा मोटा प्रोग्राम रखा गया था यूट्यूबर्स के जरिए। हमारे साथ अहमदाबादी नहीं, गुजरात के अलग अलग जगहों से भी सब यूट्यूबर्स हैं जो वो आए हुए हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि गुजरात के इलेक्शन जो काफी नजदीक है, क्या कहना चाहते हैं इस पर, जिससे कि गुजरात की जनता के पास एक अच्छा मैसेज जावे और नेक मैसेज जावे। क्या नाम है आपका? सिराज। सिराज, क्या कहना चाहेंगे आप गुजरात की जनता को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारा जो है नॉर्मल मीटअप रखा गया है यूट्यूब का, जिसमें काफ़ी अच्छे और मेहनत करने वाले यूट्यूबर्स आए हुए। मेरे चैनल का नाम है सेजू ब्लॉग, अहमदाबाद की वीडियोस बनाते हैं। तो बात रही इलेक्शन की, तो अभी इलेक्शन का टाइम ऐसा है, मतलब कितना कौन सी डेट को है, अपनी 3-4 दिन या 1 वीक बचा है डेट को। तो सबसे पहले अगर मैं मेरे हिसाब से कहूँ, या इलेक्शन और जो ये मतलब जो पार्टीज आती हैं, तो मैं यही कहूँगा कि गाइस हम जैसे लोग हैं ना, हम लोग घर पे पूरा दिन सोते रहते हैं, मतलब रात को 6 बजे सोएंगे सुबह में और उठते हैं 3 बजे। इलेक्शन तो वो टाइम तक ख़त्म हो जाता है, इलेक्शन के दिन भी हम लोग 5-5 बजे सो के उठते हैं, वोटिंग देने नहीं जाते। क्यों मालूम? क्योंकि हमको पड़ी नहीं वोटिंग क्यों दें, किस लिए दें, क्यों दें। फिर जब रोड पे प्रॉब्लम होता है या फिर कहीं और प्रॉब्लम होता है ट्रैवलिंग में, या कोई एक्सपेंस बढ़ जाता है या भाव बढ़ जाता है, तो फिर आप लोग गाली देते हो। तो भाई वोटिंग करो ना यार, जो भी पार्टी अच्छी हो, जैसी भी हो, अच्छी हो पार्टी आपके लिए काम करती है, तो उसको वोट दो। एक दिन आपको अपनी आँख, मतलब एक दिन सोओगे नहीं तो कुछ हो नहीं जाएगा, तो जाके वोट दो। मेन चीज तो यही ज्यादा था, वोट नहीं। जनता यूँ सोचती है कि वोट देगी, एक वोट का एक क्या फायदा मिलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ये सोचती। मगर ये नहीं सोचते कि उनके एक वोट से बूंद बूंद से सागर बनता है। ऐसे एक इंसान की ये थिंकिंग है, ये सोच है कि एक वोट से हमारे कौन सा पार्टी जीत जाएगी, आ जाएगी। वैसे एक नहीं, वो 1,00,000 लोग है जो ये सोच रखते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा। एक वोट मायने नहीं रखता है, मगर 1,00,000-10,00,000 लोग बहुत मायने रखते हैं। गुजरात के अंदर ऐसे 8 से 10 लाख लोग हैं जो वोट नहीं देते, पूरी पूरी फैमिली वोट नहीं देती, और ये सोचते हैं क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन सी कोई पार्टी आके हमारा घर चलाती है। क्या मैसेज देना चाहूँगा? आप सर ने बहुत अच्छी बात कही कि एक वोट से ही पार्टीज बनती हैं। जिस तरीके से मैं यूट्यूबर हूँ, तो मेरे फील्ड की अगर थोड़ी सी बात बताऊँ आप लोगों को, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई नहीं थे, लेकिन कोई एक बंदा भी मुझे सब्सक्राइब करता था तो ऐसा लगता था नहीं यार, कोई तो नया जुड़ रहा है, कोई नया तो हमारे साथ है, हमको देख रहा है। तो ऐसे करते करते भाई हमने इतना बड़ा चैनल कर लिया, आपका भी चैनल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, देख सकते हो, बहुत ही बड़ा चैनल है सर का, हमसे भी बड़ा चैनल है। तो ये एक एक सब्सक्राइबर, एक एक फॉलोअर्स जुड़ने से हुआ है। आज की तारीख में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं कि हम लोग अपने पैर पे खड़े हैं, ये अपना खर्चा निकाल रहे हैं, हम अपना खर्चा निकाल रहे हैं, क्यों मालूम है? सिर्फ और सिर्फ एक एक सब्सक्राइबर की वजह से। तो ये है कि अगर हम यहाँ पे गुजरात में या अहमदाबाद में 10 लाख लोग हैं भाई, एक एक वोट अपना कीमती है, तो वोटिंग करो यार और अच्छी पार्टी को सामने लेके आओ। डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा है अहमदाबाद का, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा, और डेवलप हो ऐसी पार्टी चूज करो। आपको पता है कि जब एक वोट अगर एक सब्सक्राइब नहीं बढ़ेगा ना,
तो ना गोल्डन बटन मिलती है, ना डायमंड मिलती है, ना सिल्वर मिलती है। तो वो जो एक है ना, एक से इम्पोर्टेड अगर वो एक आपके सब्सक्राइब हो रहा है तो यूट्यूब वाले को मैसेज जाता है, तो यूट्यूब वाला फिर आपके नाम की जो होती है ट्रॉफी बनाकर तब आपको भेजता है। अगर आपकी एक भी कम होंगे तो यूट्यूब वाला आपका रिश्तेदार नहीं है कि आपको बोले एक की तो कम है चलो भेज इसको, नहीं, एक की बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक चीज की। तो इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूँ। सर क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेगा? तो मेरा नाम है अब्दुल्ला मेहमान। जैसे ही सेजू भाई ने बोला कि हमारा एक्चुअली मीटअप चल रहा है यूट्यूब का, और सेजू भाई की बात से मैं सहमत हूँ। सिराज भाई ने जो बताया कि यार भाई एक ही सब्सक्राइबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक उसी तरह हम लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं जो वोट नहीं करते। जैसे एक कहावत है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। इंग्लिश में कहावत है रिचर गेट्स रिचर पुअर गेट्स पुअर। तो वो किस वजह से, आप यहाँ इंडिया में जो आपने नोटिस किया होगा जो फॉरेन के लोग हैं वो इंडिया में क्या देखना था आपको पता है? वो देखना था गरीब, यहाँ पे गरीब लोग कैसे रहते हैं। वो गरीब ही क्यों है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं अहमदाबाद के अंदर, पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में। जैसे कि सेजू भाई ने बताया कि भाई हम लोग यूट्यूब करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देके बताया कि भाई जब एक सब्सक्राइबर कम होता है ना तो बहुत दुख होता है और डीमोटिवेशन भी बहुत होता है। यार इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा। ठीक उसी तरह अपनी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो भी इतना लाखों करोड़ रुपया खर्च करती है ताकि वो लोग उनको वोट करें, बैलेट्स लगाते हैं, स्कूल वगैरह बुक करते हैं, इतने सारे लोग, इतनी सारी सिक्योरिटी, पर आते कितने लोग हैं? जितनी जो काउंटिंग होती है इतने लोग ही आते हैं। जनता आप लोगों के लिए इतना खर्चा करा जाता है सिर्फ आपकी फैसिलिटी के लिए कि आप आए, आपको इतना कंफर्टेबल महसूस हो कि आप आए हो, तो आपको ऐसा लगे नहीं जो मेरा वोट है कोई जबरदस्ती मुझसे मेरा वोट नहीं छीन सकता, और ये वोट ना मैं किसी को बेचूंगा, ना मैं कोई दारू में, ना कोई कोई चीज में उसको गिरवी दूंगा, ना मैं बेचूंगा उसको एक्स वाई जेड। मैं दूंगा, नेक को दूंगा, एक को दूंगा, अच्छे को दूंगा। हमारे साथ एक और यूट्यूबर मौजूद है और बहुत ही फेमस है हमारे साथ, जानते हम भाई से। क्या कहना, क्या कहेंगे जनाब आप, जो गुजरात के इलेक्शन काफी नजदीक है, और क्या मैसेज देना चाहते हैं गुजरात की जनता को? सर थैंक यू सो मच फॉर मुझे गैदरिंग में अपना एक बाइट देने के लिए मौका मिला। वैसे तो हमारा देश बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ से ज़्यादा का देश है, और बर्रे सगीर में जो खंड है जितने दुनिया में, उसमें सबसे बड़े खंडों में खंड एशिया खंड, उसमें सबसे ताकतवर जो एज पर पॉपुलेशन है वो हम 30 CR से ज़्यादा प्रतिदिन बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसा हमारा भारत अजीज मुल्क देश। तो ऐसे देश के अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि एक छोटी बच्ची का बलात्कार हुआ निर्भया, और वो अल्लाह के वहाँ पहुँच गई। बहुत सारे ऐसे गैंगरेप्स हुए, बहुत सारी जगहों पर स्कूलों के मसले, बहुत सारी जगह पर जहाँ पर आबादियाँ इंसान ह्यूमन बींग आबाद है, मगर उसके बावजूद वहाँ पर मेडिकल डिस्पेंसरीज नहीं है। जैसे हम तो अहमदाबाद स्कूल ऑफ एजुकेशन कैंपस सभी अहमदाबाद गुजरात इंडिया काम कर रहे हैं, फ्री चेकअप फ्री दवाई सुबह शाम। इस तरह इस मौके पर जब आप वोटिंग अगर नहीं करते हैं तो वो बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, आप वोटिंग नहीं करते तो गरीब मोहल्ले में किसी को दवाई नहीं मिलेगी, आप वोटिंग नहीं करते हैं तो कहीं पर जाकर कोई बच्चा अशिक्षित रहेगा, ही और शी विल बी नॉन एडुकेटेड। तो दैट इज द मेन थिंग। द कंटैक्ट बहुत अच्छी चैनल है और मैं वेलविश देता हूँ आपकी इतनी लोकशाही तक, लोगों तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। छोटी छोटी नेशनल चैनल तक हम पहुँच नहीं सकते, मगर ये लोग हैं नेशनल चैनल से बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर सो मच, एंड सेजू ऑफिशियल से भी सो मच, थैंक यू सो मच कि उनकी वहाँ पर इस मंच पर द कंटैक्ट से मुलाकात हुई, एंड आपकी चैनल को पूरी बधाइयाँ कि ये एवरी डे यू शुड थिंक। आपको हर दिन सोचना चाहिए कि आज का दिन 5 साल के बाद अब मेरे पास आएगा, तो अगर हमने एक वोट नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले हमने देखा कि 59% गुजरात में वोटिंग हुआ था, मतलब 10-20-25 लाख वोटर सोते रहे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, जिसकी वजह से स्कूलें नहीं खुली, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के आम नागरिक को प्राथमिक सुविधा यानी मेडिकल सेंटर नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, और जिसकी वजह से लोगों के प्रॉब्लम्स नहीं पहुंचे आम सरकार तक। तो वी शुड डू दैट, वी शुड आइडियली हर अरबी में कहा मन जद्द मजद, कोशिश करने से हर चीज़ हासिल होती है। तो हमको एक वोटिंग के अधिकार से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सरपंच, पार्षद या MLA विधायक बनते हैं, हमको उस पावर का पूरी ताकत से इस्तेमाल करना चाहिए। आज श्रीमान रिस्पेक्टेड सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी है, वो तो हिंदुस्तान की आपकी वजह से है। आज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात मिस्टर भूपेंद्र पटेल है, तो वो आपकी वजह से है। आज के यहाँ लोकल MLA जो है पूरे गुजरात के 192, तो वो आपकी वजह से है। तो एवरी एरिया ऑफ गुजरात एंड वेर देर इज इलेक्शन, एवरी वेर यू शुड गो, यू शुड डू एंड यू शुड यूटिलाइज योर राइट टू डू द वोटिंग।
आपको अपना अधिकार वोट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं किसी पंथ और ओपिनियन किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से नहीं हूँ, मैं इस ओर से हूँ कि उस बच्ची जो गैंगरेप में इंतकाल होकर अल्लाह के वहां पहुंच गई, वो लोग जो बीमारी की वजह से कोविड के अंदर लाखों लोग अल्लाह के वहां पहुंच गए, वो लोग जो बच्चों को लाखों लोगों को यहाँ पर हम रिवर फ्रंट पे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्लम्स पे जो बगैर पढ़े रहते हैं, बच्चे किसी कास्ट समुदाय के नहीं है, इंसानों के बच्चे हैं, तो उनके लिए स्कूल नहीं खुलती। इतना बड़ा प्यारा 2100 करोड़ का रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है मगर स्कूलें नहीं है बहुत सारी जगह पर। एमडी ड्रग्स आज के अहमदाबाद के न्यूज पेपर के फ्रंट हेडिंग है कि आज यहाँ से पेडलर पकड़ा रहे, ये आपके वोटिंग नहीं करने की वजह से। हम अगर यदि वोटिंग करेंगे तो पावर पे वो लोग आएंगे जिनको आप चाहते हैं। बुटलेगर खत्म होंगे, शिक्षाविद खड़े होंगे, डिस्पेंसरीज खड़ी होगी, GDP अप जाएगा और आने वाले वक्त में द कंटक जैसे प्यारे प्यारे चैनल वजूद में आएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ आसिफ भी मौजूद है। आसिफ भाई क्या कहना चाहोगे, गुजरात का जो चुनाव काफी नजदीक है, क्या मैसेज देना चाहते हो गुजरात की जनता? पहली बार तो मैं दीप प्रताप का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर ने काफ़ी अच्छा मुद्दा उठाया, शिक्षा एजुकेशन। मैं सिर्फ छोटी सी बात करूँगा सिर्फ एजुकेशन पे, और एजुकेशन से आपको क्या लाभ मिल रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। एक IAS अधिकारी UPSC पास करने के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद करता है, 2400 घंटे पढ़ाई करता है, तब वो IAS बनता है। वो काम किसके पीछे नीचे करता है? एक जाहिल जबट नेता के पीछे, एक जाहिल MLA, एक जाहिल MP के नीचे। पॉइंट की बात कर रहे हैं, 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, 24 घंटे दिन दिन रात। उनके फोन मैंने चेक किए, मेरे कुछ जानने वाले हैं, मैं बिहार से हूँ तो आई वो मेरे वहाँ के बहुत सारे लोग इसी लाइन में, तो उनके मैंने फोन चेक किया, उनके फोन में सिर्फ घर का नंबर, कॉलेज के कुछ अच्छे दोस्त का नंबर, व्हाट्सएप पे सिर्फ 2-3 कॉन्टेक्ट, बाकी कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं होता क्योंकि उन्हें उसका टाइम ही नहीं है। 24 घंटे पढ़ाई करने के बाद वो एक जाहिल नेता के पीछे काम करना पड़ता है। आप पीछे क्यों हैं? आपके बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? आपको स्कूल क्यों नहीं मिल रहा? रीजन ये क्योंकि आपके नेता पढ़े नहीं है, उनको पढ़ाई का महत्व कैसा पता नहीं है, उनको पढ़ाई का कोई वैल्यू ही नहीं पता है, उनको बस यही पता है वोट दो नोट लो, पैसा दो वोट लो, नोट और वोट पता है उनको, शिक्षा नहीं पता। उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, 2-4 क्लास कहीं पढ़ लिया हो फालतू टाइम देके तो कोई बात नहीं, बाकी वो शिक्षा को नहीं जानते, शिक्षा की अहमियत नहीं पता उन्हें। शिक्षा आज सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा। शिक्षा के बाद ही आपके अंदर रोजगार का भाव पैदा होगा। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट क्या होता है, आप पढ़ेंगे तो आपको अंदर भाव पैदा होगा कि मैं कोई बिजनेस करूं, किसी बड़ी फैक्ट्री में जॉब करूं, तो उसको पढ़े लिखे को पता चलेगा कि बिजनेस यहाँ क्यों नहीं है, क्या कमियां रह गई। सरकार पढ़ी लिखी होगी तो उनको पता चलेगा डेवलपमेंट में करना क्या होता है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा कि उसने ऐसा करा, मैं ऐसे लोगों को चुनने के लिए कह रहा हूं जो पढ़े लिखे। आपके यहाँ नेता है वो दारू के धंधे में था, आपके वहां नेता है वो डॉन था, वो भाई था, उसने उसके ऊपर 5 कत्ल के इंजाम है। ऐसे नेता क्यों आते हैं? वो क्यों नहीं आता कि वो पहले प्रोफेसर थे, हिंदी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने जिंदगी में राजनीति नहीं की, लोगों को राजनीति सिखाया, लोगों को ईमानदारी पे चलना सिखाया, लोगों को करप्शन से दूर रहना सिखाया, रिश्वत लेना नहीं सिखाया उन्हें। उन्हें वोट नहीं दोगे क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर अच्छे लोगों को कामयाब किया, अच्छे नेता अच्छे लॉयर को तैयार किया, उन्हें वोट नहीं दोगे। दोगे किन्हें? जो चोर है, जो बेईमान है, जो बहुत मजबूत लोग हैं, तुमको गोली मार सकते हैं, अपने दबदबे से वोट ले सकते हैं, तुम ऐसे लोगों को वोट दोगे? क्यों दोगे? क्योंकि तुम उनसे डरते हो, तुम अपने वोट का अधिकार नहीं जानते। तुम सुनो सबकी, करो अपने मन की, अल्लाह देने वाला अल्लाह करने वाला है। आप चुपचाप जाओ, अपने मन में बना लो कि ये नेता मेरे लिए अच्छा है, शोर शराबा नहीं करना, ईमानदारी से और बड़ी मेहनत के साथ, जैसे आप काम पे बड़ी ईमानदारी के साथ जाते हो, वैसे ही एक दिन वोट के लिए आपका ये बड़ा सबसे बड़ा अधिकार है, एक दिन आपको 5 साल पीछे ला सकता है, एक दिन आपके बच्चों को 5 साल पीछे कर सकता है। तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, आप आस पड़ोस में कोई नहीं जा रहा है तो आप उसे लेके जाए, उसे मनाए कि भाई चलो, भले आप किसी को वोट दो लेकिन वोट देना जरूरी है। क्या पता एक वोट से कोई अच्छा नेता रह सकता है, क्या पता 10 वोट से कोई अच्छा नेता रह सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि 5 वोट से कम रह गया, वो बहुत अच्छा बंदा था लेकिन वो हार गया। क्यों हारा? क्योंकि कुछ 5 लोग सो रहे थे। तो ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ा, शिक्षा होगी रोजगार होगा, रोजगार होगा डेवलपमेंट होगा, जब शिक्षा होगी तो बलात्कार नहीं होगा, शिक्षा होगा तो करप्शन नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा है देश में शिक्षा। लोग ऑक्सफोर्ड विंटेज देखते हैं, आज हमारे पास स्कूल तक नहीं है। तो दुनिया के स्कूलों में चले जाओ, लोग वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की सोचते हैं, हमारे पास टूटा हुआ स्कूल भी ढंग का चालू नहीं है। 500 स्कूल गुजरात के अंदर बंद है। और रिवर फ्रंट अटल ब्रिज घूमने के लिए क्यों? नेता जानते हैं कि शिक्षा दूंगा तो रोजगार मांगेंगे, ब्रिज बनाऊंगा तो रील्स बनाएंगे, ये फालतू टाइम वेस्ट करेंगे तो रोजगार नहीं मांगेंगे। तो शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है।
और शिक्षा सबसे जरूरी है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर पढ़ा लिखे नेता को हम चुनेंगे, अच्छे नेता को चुनेंगे, तो आपकी सिटी का, आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके पूरे पूरे एरिया का वो विकास करेगा। जिस विधानसभा से वो लड़ेगा उस विधानसभा का विकास करेगा। जब ऐसे ऐसे सारे नेता विकास करना शुरू करेंगे तो फिर अहमदाबाद ही नहीं पूरे गुजरात का विकास होगा। क्या पूरा मामला था, हमने जो एक प्यारा सा मैसेज यूट्यूबर्स लोगों से हमने लिया, आपका यूट्यूब पे क्या आएगा? आसिफ ब्लॉगर मेरा चैनल है, मैं यूट्यूब पे एक्सप्लोर करता हूँ। इससे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब मैंने एक्सप्लोर किया, वहाँ मैंने मुझे जो अच्छी चीज़ें लगी मैंने दिखाया, जहाँ मैं गया वो सारी चीज़ें दिखाई, वहाँ कितने अच्छे लोग हैं उन्हें दिखाया। अभी मैं अहमदाबाद में लगभग कुछ सालों से हूँ, अहमदाबाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ मुझे बहुत मज़ा आता है, यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह चुका है। डेवलपमेंट अपनी तरफ है, शिक्षा अपनी तरफ है। गुजरात के अंदर मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि यहाँ स्कूल बंद है, मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ कॉलेज बंद है, अभी तक मेडिकल कॉलेज कुछ है, ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेट अगर सरकारी होता तो गरीब के बच्चे पढ़ पाते, गरीब के बच्चे यूँ सड़क पे ना घूमते। तो सरकार हम ऐसी बनाएंगे कि उन्हें शिक्षा की फिक्र हो, फिक्र होगी तो सारा डेवलपमेंट खुद ही खुद चल पड़ेगा। देखिए दिकंटा के माध्यम से हमसे जितना हो सका उतनी माहिती लेकर, उतनी नॉलेज लेकर आप जनता तक रखें। मैं मोहम्मद नाजी पठान, आप देख रहे दिकंटा।